के चलते बीते 2 महीने से बसों के पहिए थमे हुए हैं, जिसकी वजह से बस के ड्राइवर कंडक्टरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसलिए राजनांदगांव बस कर्मचारी कल्याण संघ के सैकड़ों सदस्यों ने धरना प्रदर्शन करते हुए शासन से भत्ते की मांग की है। बस चालकों की माने तो वो कई मर्तबा जिला कलेक्टर से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी राहत नहीं दी जा रही है। आर्थिक तंगी के चलते घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया और इसलिए बस चालक और परिचालक भत्ते की मांग कर रहे हैं। एसी चालू हो गई है, ऑटो चालू हो गई है, बस अभी तक के चालू नहीं हुई है। अब बस के ड्राइवर कंडक्टर क्या करेंगे, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं है। बस सवेरे से शाम तक यहाँ आते हैं, बस स्टेशन में बैठे रहते हैं। गुजारा भत्ता तो कुछ सरकार दी नहीं है, हम लोग खाली बैठे हुए, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार जो है मजदूर इसको उसको सबको मतलब पैकेज दे रही है, हमारे तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। ये हमारी समस्या है। हम लोग सब यहाँ पे दिन में आते हैं, रात में अपने घर में जाते हैं, तो हम लोग की बेरोजगारी का कुछ है। मनोज मिश्रेकर जुड़ गए संवाददाता राजनांदगांव से। मनोज, क्या इनकी मांगों पर ध्यान दिया गया? तो लगा हुआ है, इनको बहुत तकलीफ हो गई थी, लेकिन अभी मुख्यमंत्री कलेक्टर वगैरह से सबको अपना आवेदन किए हुए हैं, उसके बाद अभी फैसला आना उनका बाकी है। लेकिन ये लोग बहुत परेशान है कि हमारा जीवन यापन खतरे में आ गया है, कुछ हमारी मदद की जाए और बस सेवा चालू की जाए। किस तरह का आश्वासन दिया गया है? अभी वहाँ से रिजल्ट आया नहीं है मैडम उनका। चलिए ठीक है, रिजल्ट का इंतजार कीजिए, फिर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। सिलवाली में एमपी